राम राम जी। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखो, गणेश जी की पूजा की जा रही है। आज गणेश जी का जन्मदिन है, तो गणेश जी को अच्छे से साफ किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उनके बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। हमने तो बेसन के बनाए हैं, आप जो भी लड्डू का भोग लगा उनका लगा सकते हो। पहले इनको पंचामृत से नहलाया गया है, तो पंचामृत में लेते हैं अपन शहद, घी, दूध, दही और गंगा जल, और फिर इनको साफ पानी से नहलाया जा रहा है। तो ये देखो, साफ पानी से नहला दिया। ये जो गणेश जी हैं, जो अपने घर के दरवाजे पे अपन लगाते हैं जब गृह प्रवेश होता है, तो उन गणेश जी की पहले पूजा की जा रही है। और पूजा का मुहूर्त था 11:15 से और 1:25 तक। तो ये देखो, गणेश जी को साफ कर दिया एकदम। और पहले के जो डंके वगैरह थे वो सब हटा दिए गए। अब ये जो अंदर जो अपने मंदिर में गणेश जी रहते हैं, उनको भी पंचामृत से पहले नहला रहे हैं। तो उनको किचन में ही लाके उन्होंने अच्छे से पंचामृत लगा दिया। अंदर मंदिर भी कर दे। ये देखो, अच्छे से पंचामृत लगा रहे हैं। अब इनको नल के नीचे ही नहला रही है अच्छे से। ये नहला दिया गया। अब इनको मंदिर में दोबारा से ले जाया जा रहा है। और ये जो चाली पूजा की सामग्री, जिसमें दीपक है, धूप है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जनेऊ है, चांदी का वर्क है, माला है, सिंदूर और मखाने हैं, ये बेसन के लड्डू, और जो हमने चूरमा बनाया था उसके भी लड्डू बना दिए। ये सब पूजा की थाली तैयार कर ली। और ये डंके हैं, सुपारी, बड़ी आसान सी विधि से पूजा करेंगे हम लोग। अभी पूजा का टाइम होने में टाइम था। ये देखो हमारा मंदिर, मंदिर को भी साफ कर दिया गया अच्छे से। वैसे तो साफ करते रहते हैं, लेकिन आज गणेश जी की पूजा हो रही है तो और भी अच्छे से इसको साफ कर दिया। अब पूजा का टाइम होने वाला था, तो पहले बाहर के मंदिर की थी उसकी पूजा की जा रही थी। ये चांदी का वर्क लगा दिया उनके। तो सिंदूर वगैरह लगा के 5 मिनट है, चांदी का वर्क लगा दिया, तिलक वगैरह लगा दिया, फिर उनको जनेऊ पहना दी गई। और ये देखो छोटे गणेश जी कहाँ चढ़ रहे हैं, ये पूरी मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनको बार बार पकड़ रहे हैं लेकिन ये टिकरे नहीं है। ये पूजा हो गई, यहाँ पे दीपक जला दिया। तो ये देखो हमारे गणेश जी, इनके भोग वगैरह भी लगा दिया।
अब जो अंदर के गणपति हैं उनकी पूजा की जाएगी, उनके भी जनेऊ वगैरह पहना दी, उनको डंके चढ़ा दिए, तिलक लगा रहे हैं। मखाने चढ़ा दिए, मखाने इनको और भी कुछ बोलते हैं शायद, गुड़, हाँ गुड़दाने बोलते हैं इनको। जब किसी लड़के की शादी होती तो पहली जो गणेश चतुर्थी आती है उस पे भी आती है ससुराल से गुड़दाने, कपड़े वगैरह, या फिर कोई घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो उसके ननियाल से पहली गणेश चतुर्थी पे आता है। राजस्थान में तो आता है, और कहीं का मुझे पता नहीं। ये गणेश जी को फूल चढ़ा दिए गए, ये भोग लगा दिया। गणेश चतुर्थी को शायद कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं, अब बोलते क्यों हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस दिन बोलते हैं कि चांद को नहीं देखते, कुछ दोष वगैरह लग जाता है। जगने 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 देवा, आरती की जा रही है। माता पार्वती पिता महादेवा, एक दन दया जन चार भुजा धारी, मस्तक के सिंदूर सोवे मुसे की सवारी, फूल चढ़े मम्मी जी आरती गा रहे हैं, उनका भोग लगे संत करे सेवा। जगने 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 देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। गणेश चतुर्थी पे हम लोग तो हमेशा चूरमा दाल और बाटी बनाते हैं, निर्धन को, क्योंकि राजस्थान का और खासकर जयपुर का तो फेमस है ये चूरमा दाल बाटी, पिता महादेवा, इसलिए इधर तो हर फंक्शन में ज्यादातर यही बनता है। सबकी मनोकामना करो भली, जगने जगने तो ये हो गई गणेश जी की पूजा। माता जी की पार्वती पिता महा, बड़ी आसान सी और सरल सी विधि से हमने पूजा की है।